हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विश्वकर्मा एंटरप्राइजेस। आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ वो है इन डिजिटल का। ये मॉडल नंबर है इसका DTC5618, जो इसका मॉडल नंबर है। आज मैं इसको सिखाऊंगा कि ये रिपेयर कैसे किया जाता है। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। चेक करते हैं हम एडाप्टर लगा के। देखिए 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का इसका एडाप्टर होता है। और अभी चेक करते हैं और देखिए अभी ये रेड लाइट में आ रहा है। ये रेड लाइट है मतलब इसमें प्रॉब्लम है और हम इसको रिपेयर करते हैं। तो पहले हम खोलते हैं इसको बॉक्स को। पहले भी ये रिपेयर हो चुका है और अभी फिर से आया है, प्रॉब्लम आया है, तो अभी इसको रिपेयर करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा बॉक्स हो गया, ये पूरा टोटल बोर्ड हो गया। अभी मैं इसको चेक करते हैं। अभी आपको मैं बता देता हूँ पहला तो। हाँ देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ पहला तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। 5 वोल्ट आने के बाद फिर हमें ये चेक करने का है कि यहाँ पे हमारा 3.3, ये देखिए AIC है, यहाँ पे 5 वोल्ट आएगा और यहाँ पे 3.3 आएगा। उसके बाद से यहाँ जाने के बाद से हमें यहाँ पे आएंगे, एक मोसफेट है जो यहाँ पे हमें 3.3 सेम आएगा। ये कंटेंट और ये कंटेंट सेम आना चाहिए 3.3। उसके बाद से ये जो हमारा बूस्टर है, ये जो CPU से निकलता है, ये CPU से इसका वोल्टेज निकलता है। ये जिसका वोल्टेज होता है 1.1, ये 1.1 हो जाएगा। और दूसरा कि इसमें रीसेट होता है, ये रीसेट है जो हमें 3.3 और 3.3 दोनों आना चाहिए यहाँ पे भी। और चेक करते हैं फिर, अभी इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अभी देखिए, हम पहला तो इधर लगा के चेक करेंगे 5 वोल्ट। देखिए हमारा ये 5 वोल्ट मीटर में आ रहा है। उसके बाद से हम यहाँ पे चेक करेंगे 5 वोल्ट, ठीक है। ये भी 5 वोल्ट हमारा यहाँ तक, मतलब ये यहाँ से IC तक आ रहा है। और ये जो है ना अपना IC का, ये फर्स्ट यहाँ पे क्वाइल होता है, इसको क्वाइल बोलते हैं, ठीक है। ये चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए 2.9 दिखा रहा है, लेकिन इस साइड हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें 3.3 दिखा रहा है। ये ठीक है, ये भी सही है। मतलब अभी हम आ जाएंगे यहाँ पे, ये हमारा मोसफेट हो गया जो इसको भी ट्यूनर को भी काम करता है। और ये 3.3 भी नहीं रहेगा तो भी प्रॉब्लम आता है। अभी देखिए यहाँ पे भी 3.3 है। ये हमारा जो CPU का, आपको मैं पहले भी वीडियो में बता चुका कि ये CPU से जो निकलता है 1.1, तो 1.1 भी आना चाहिए। और देखिए 1.1 क्लियर हो गया। अभी ये क्लियर होने के बाद हम रीसेट पे जाएंगे और रीसेट पे चेक करेंगे कि 3.3 यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। ये देखिए 3.3 भी आ रहा है हमारा, और 3.3 आउट भी होना चाहिए, क्योंकि आउट नहीं होएगा तो भी प्रॉब्लम रहेगा। तो चेक करते हैं, देखिए 3.3 ये आउट में भी देखिए आ रहा है। अभी 3.3 भी हमारा आ गया। ये हमारा डाइबोर्ड हो गया 2.5, यहाँ पे 3.3 का डाइबोर्ड हो गया, ये भी एक डाइबोर्ड हो गया, 3.3 आ गया, 2.5 आ रहा है यहाँ पे, ये भी सेम वही कंटेंट है कि 2.5 वही, और 3.3 ये भी हमारा क्लियर हो गया। मतलब हमारा CPU सही है। अभी ये हमारा रैम ख़राब है, रैम खोलेंगे और मैं आपको फिर बताता हूँ। दोस्तों पहले हम इसको निकालेंगे, ये जो स्लॉट होता है इसको पहले हम निकालते दोस्तों। अभी हम चेक करते हैं रैम खराब है या नहीं है। ये देखिए, ये जो हमारा ये रैम का हो गया सेक्शन हो गया, जो यहाँ पे 1.3 आ रहा है ये बराबर आ रहा है, यहाँ पे 2.6 2.5 वही बराबर हो गया। अभी यहाँ पे चेक करते हैं 1.2, ये बराबर आ रहा है, बट हो सकता है कि ये रैम खराब हो। एक बार चेक करते हैं निकाल के रैम खराब है या अच्छा है, उसके बाद से फिर मैं आपको बताता हूँ आगे। दोस्तों चलिए हम आपको रैम निकाल के बताते हैं। Thank you.
इसका रैम है, ये जो इसका मॉडल है 235A, ये देखिए 235A का मॉडल है। और ये लगा के अभी चेक करते हैं। दोस्तों देखिए अभी ये रैम हमारा क्लियर हो गया लगा के, एक मिनट। रैम हमारा क्लियर हो गया लगा के, और हम अभी चेक करते हैं इसमें प्रॉब्लम अभी हुआ सॉल्व या नहीं हुआ। दोस्तों अभी देखिए ये हमारा बॉक्स हुआ, अभी देखिए अभी भी चालू हुआ नहीं है। एक बार और इसको देखते हैं, कुछ तो और प्रॉब्लम है, थोड़ा चेक करते हैं और क्या प्रॉब्लम है फिर बता। हाँ दोस्तों देखिए ये जो प्रॉब्लम था, अभी जो हमने रैम लगाया यहाँ पे ना, यहाँ पे एक शॉर्ट हो गया था, इसके वजह से हुआ है। और अभी देखिए चालू करते हैं, चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों ये चालू हो गया, और हम वीडियो लगाते हैं और चेक करते हैं। देखिए दोस्तों हमारा वीडियो चालू हो गया। और हम इसको अभी पैक करेंगे, पैक करने के बाद कस्टमर को दे। दोस्तों ऐसी वीडियो सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ भी रहेगा कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट में ही बता देंगे कि आपका प्रॉब्लम क्या है और सॉल्व कर देंगे। थैंक यू और धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विश्वकर्मा एंटरप्राइजेस। दोस्तों आज मैं एक बॉक्स लेके आया हूँ आपके लिए, जो दोस्तों देखिए ये NXT डिजिटल का है, CH1000MC। इसमें दोस्तों क्या होता है प्रॉब्लम, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके सामने बॉक्स चालू है, बट क्या है इसमें आपको दिखा देता हूँ। ये देखिये जो इसका स्ट्रेंथ और क्वालिटी है, देखिये बहुत ही कम है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, ये बीच बीच में चलता है, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, 55, 58, 59 यही है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सेम बॉक्स, यही बॉक्स है। तो इसमें ये प्रॉब्लम आता है कि कभी कभी चैनल अटक अटक के चलता है, बीच बीच में ऐसे ब्लरिंग मारता है, देखिए जैसे अभी देखिए मार रहा है, तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो बॉक्स है इसका IC को चेक करेंगे, हो सकता है IC भी खराब हो, तो चेक करेंगे पहले हम बॉक्स को। और दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो लेके आता हूँ, तो जो नए लोग हैं आप, तो वो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करते रहे दोस्तों। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों ये हमारा बॉक्स ओपन हो चुका है, और हम एडाप्टर लगाएंगे दोस्तों। तो हम पहले ये वोल्टेज चेक करेंगे, ऐसा तो नहीं वोल्टेज का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हमारा माइनस लगाएंगे ग्राउंड, और यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ हमारा 5 वोल्ट क्लियर हो गया। दूसरा हमारा यहाँ पे भी देखिए दोस्तों 5 वोल्ट आने लगा, और यहाँ पे जो है हमारा 3.3, और दोस्तों ये जो हमारा यहाँ पे है 1.1, ये देखिए हमारा ये सब क्लियर हो गया। तो वोल्टेज के मामले में हमारा क्लियर दोस्तों, हो सकता है हमारा ये या तो ये IC खराब हो, देखिए हमारा जो ट्यूनर का IC होता है ये होता है, तो या तो ये IC खराब होगा या तो CPU से थोड़ा प्रॉब्लम होता है। कभी कभी क्या रहता है दोस्तों, यहाँ पे CPU से प्रॉब्लम आ जाता है। तो हम पहला क्या करेंगे, चेक करेंगे एक बार, आपको फिर से दिखा देता हूँ मैं दोस्तों। देखिए ये बॉक्स है, सोमवार से शुक्रवार तक भैया जी और शनिवार को, ये देखिए दोस्तों मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, ये देखिए। और दूसरा कोई भी चैनल लगाएंगे दोस्तों, इसका स्ट्रेंथ और क्वालिटी घट जाता है। अभी देखिए ये फुल हुआ है, क्योंकि ये कुछ देर बाद चलेगा तो प्रॉब्लम आता है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो बॉक्स है
ये बॉक्स का सीपीयू को हल्का सा हम लिक्विड मार के और हीट करेंगे। इसे देखिए, ये हमारा मैक्स फ्लूक गोल्ड है। दोस्तों देखिए, हमने ये अच्छे से इसको हीट कर दिया है और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखेंगे इसको। दोस्तों आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते हैं, तो थोड़ा दोस्तों लाइक और शेयर भी करते रहिए आप लोग। अभी हम ये डॉक्टर को लगाएंगे। अभी देखिए दोस्तों, ये हमारा इंडिक्शन का लोगो आ गया है और जो इसका रिचार्ज है, रिचार्ज फ्री का है, तो हम कोई एक चैनल जो चालू चैनल रहेगा वो लगाएंगे। ये स्कैन वन में लगा दोस्तों हिट मारने के बाद। देखिए दोस्तों, ये हमने स्कैनिंग हो गया हमारा। अब एक कोई भी चैनल लगाएंगे दोस्तों ऐसे ही, जो जिसमें पैकेज रहेगा। ये देखिए दोस्तों, अभी भी यही सेम प्रॉब्लम आ रहा है। ये देखिए सेम प्रॉब्लम आ रहा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आईसी है, ये हमारा जो आईसी है, ये चेंज करेंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं आईसी कैसे चेंज करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा आईसी था जो हमने अभी निकाला, और इसके जगह पे दोस्तों हम दूसरा आईसी ले। दोस्तों देखिए, ये जो हमारा पुराना आईसी है, मैं आपको नंबर दिखाने का कोशिश करूंगा दोस्तों। ये देखिए, और सेम आईसी हमारे पास एक दूसरा है देखिए, और ये हमने इधर रख दिया। तो इसको हम दोस्तों थोड़ा दूर कर देंगे, और ये जो आईसी है हम दोस्तों हमने आईसी को अच्छे से लगा दिया। देखिए अच्छे से फिर से लगा दिया, और साइड साइड में क्या करेंगे दोस्तों, हम अच्छे से इसको सोल्डिंग कर देंगे, जिससे जो भी इसमें अंदर नहीं पकड़ा रहेगा वो भी अच्छे से इसका
शिफ्ट हो जाएगा। अभी हम चेक करेंगे एक बार 200 लगा के। बहुत बहुत शुक्रिया मैथिल जी। देखिए दोस्तों, ये हमने ये IC लगाया था, तो अभी चेक करेंगे हम एक बार दोस्तों, वही चैनल फिर से लगाएंगे हम। तो देखिए दोस्तों, अभी भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि ये कहीं और से ही प्रॉब्लम है। को फैलने से रोके, अब 10 रुपए का लाइफ परफेक्ट। तो दोस्तों देखिए, ये जो हमारा यहाँ पे एक डायबोर्ड लगा रहता है, यहाँ पे एक छोटा सा डायबोर्ड लगा रहता है, वो डायबोर्ड शॉर्ट था दोस्तों, तो इसके लिए प्रॉब्लम आ रहा था बार बार। तो ये हमारा IC भी हमने अच्छे से डाल दिया नया, और ये भी। तो देखिए दोस्तों, अभी हमारा सिग्नल बढ़ गया, देखिए। तो अभी दोस्तों ये हमारा क्लियर हो गया। और दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करते रहेगा। कमेंट में कुछ भी रहेगा दोस्तों, आप पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विश्वकर्मा एंटरप्राइजेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बॉक्स लेकर जो NSU डिजिटल का बॉक्स है, CSEA 404120। दोस्तों अभी चेक करेंगे हम ये बॉक्स को, प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे लाइट नहीं आ रहा हमारा, इसमें देखिए लाइट नहीं आ रहा, तो इसमें हमारा पावर का प्रॉब्लम है दोस्तों। तो पहले हम बॉक्स को ओपन करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये बॉक्स को हमने ओपन किया। तो पहले हम ये वोल्टेज चेक करेंगे इसका, इसका वोल्टेज क्या क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है वो देखेंगे। तो पहला जो हमारा दोस्तों वोल्टेज होता है, वो हमारा होता है 12 वोल्ट का। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हम, पहले 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों 12 वोल्ट भी नहीं आ रहा है। हाँ देखिए दोस्तों, अभी आ रहा है, ये देखिए, ये हमारा 12 वोल्ट क्लियर आया। उसके बाद से दोस्तों, जो हमारा एक IC लगाया गया है, ये 12 वोल्ट से 5 वोल्ट कन्वर्ट करता है। ये देखिए, ये जो IC है, ये हमारा 12 वोल्ट से 5 वोल्ट कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम दोस्तों, ये देखिए 5 वोल्ट हमारा क्लियर आया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए, एक IC यहाँ पे लगाया गया है, ये देखिए, जो 1.1 के लिए, यहाँ पे भी क्लियर है। उसके बाद से हमारा ये जो IC है 3.3 के लिए है, ये देखिए, ये भी हमारा IC क्लियर है। और देखिए, यहाँ पे दो डायबोर्ड लगाया गया है और एक रेगुलेटर लगाया गया है। तो दोनों पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारा, ये देखिए, पहला यहाँ पे हमें 5 वोल्ट होना चाहिए, उसके बाद से 5 वोल्ट के बाद से यहाँ पे 4 वोल्ट, 4 मतलब 4.4 होना चाहिए, फिर वो सेम ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से यहाँ आता है, उसके बाद से यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3.7 यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद से दोस्तों, ये यहाँ से यहाँ जाता है रेगुलेटर के लिए, जैसे यहाँ पे देखिए 3.7, उसके बाद से ये रेगुलेटर से आउटपुट निकलता है 1.8। तो वोल्टेज हमारा क्लियर है। और एक और भी रहता है इसमें रीसेट, देखिए यहाँ पे रीसेट है जो 3.3 के लिए है, देखिए यहाँ पे 3.3 से आउटपुट भी 3.3 दे रहा है। तो दोस्तों, हमारा जो मेन प्रॉब्लम है इसमें, ये हमारा CPU से है, ये हमारा CPU। तो CPU के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बात बता देता हूँ अच्छे से कि CPU में देखिए, ये पूरा साइड ये सोल्डिंग करने के लिए, ध्यान से देखिए, ये सभी साइड सोल्ड करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये साइड, ये वाला हिस्सा, ये देखिए, ये हिस्सा हम अच्छे से इसको सोल्डिंग करेंगे। तो हमारे, आपके पास है ऐसा मैक्स ब्लू है तो आप ये भी वापर सकते हैं, नहीं है तो आप अच्छा वाला सोल्डर वायर वापरिए,
अच्छा वाला मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। जैसे अभी देखिए ये हमने इस पे लगाया, क्योंकि हमारे पास तो अच्छा वाला ही रहता है और आप लोग के पास भी वही अच्छा ही रहेगा सोल्डरिंग वायर टेक्नीशियन के पास। तो ये देखिए जैसे ये, और क्या करेंगे हम अच्छे से पहले इसको हम मशीन को साफ कर लेते पहले, और यहाँ पे देखिए दोस्तों ऐसे लगा देंगे। हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, ये देखिए पूरा हमने इसको अच्छे से शॉर्ट कर दिया है। अब इसको हम साफ करेंगे, ये देखिए आपके पास डिसोल्डर हो तो आप डिसोल्डर से भी साफ कर सकते हैं। आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप डिसोल्डर से अच्छे से साफ कीजिए, क्योंकि ये जरूरी है साफ होना। एक भी इसका लेग सटा रहेगा एक में। देखिए दोस्तों हमने इसको अच्छे से कर दिया, अभी हम एक बार चेक करेंगे इसको। तो देखिए दोस्तों फाइनली हमारा ये बॉक्स चालू हो गया, तो हम आपको लगा के दिखा देते हैं एक बार। देखिए दोस्तों हमने आपको एक छोटा सा ही फार्मूला, अच्छा फार्मूला दिखाया कि ये साइड में ही सिर्फ आप दोस्तों अच्छे से इसको सोल्डिंग कर देंगे एक ही साइड दोस्तों, तो ये हमारा बॉक्स ऐसे देखिए वो चालू हो जाएगा। और भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, कभी कभी इससे भी नहीं होता है, देखिए ये एक साइड से नहीं होता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ये साइड और ये साइड नीचे का साइड ये हिस्सा, ये दोनों हिस्सा करेंगे। और यहाँ पे देखिए एक हमारा कैपेसिटर लगाया गया है, ये कैपेसिटर निकाल देने का दोस्तों। ये कैपेसिटर जो है शॉर्ट हो जाता है कभी कभी, तो भी इसे चालू नहीं होता दोस्तों। वो इतना करने के बाद दोस्तों आपका 100% दोस्तों चालू हो जाएगा, और नहीं चालू होता दोस्तों आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको फिर से आपको नया वीडियो बना के दिखा देंगे दोस्तों। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करते रहेगा। जय हिंद जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विश्वधर्म एंटरप्राइजेस। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बॉक्स लेके आया हूँ जो इन डिजिटल का बॉक्स है। ये देखिए इन डिजिटल का बॉक्स है, इसका मॉडल नंबर है DTC5618। इसमें दोस्तों आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं आपको चेक करके दिखा देता दोस्तों पहले। आ रही है देखिए दोस्तों, ये जो इसका आवाज है तो कैसा है आपको, ये देखिए आवाज कट कट की आवाज आ रही है इसमें। कभी ये फट के आ रहा है तो कभी ऐसा कट कट की आवाज आ रहा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ये बॉक्स को ओपन करते हैं पहले। इसमें बहुत ही ज्यादा थोड़ा गंदगी है, उसको हम पहले साफ करेंगे। दोस्तों देखिए हमने ये बॉक्स को यहाँ पे अच्छे से साफ कर दिया, और ये देखेंगे हम पहले इसके वोल्टेज चेक करेंगे दोस्तों, जो हमारा इसका मेन वोल्टेज होता है। मैं आपको ऑडियो वीडियो लगा के दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा पहला वोल्ट होता है वो 5 वोल्ट का होता है दोस्तों, ये देखिए ये 5 वोल्ट आ रहा है क्लियर। उसके बाद दोस्तों ये हमारा जो होता है 3.3 के लिए, देखिए 3.3 आ रहा है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए हमारा एक रेगुलेटर लगाया गया है जो 3.3 के लिए है। फिर दोस्तों जो हमारा यहाँ पे होता है एक आईसी आपको दिखाया था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये 1.1 के लिए। ये जो आईसी होता है दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये दोस्तों ये आईसी जो होता है 1.1 के लिए होता है। ये जो आईसी होता है हमारा दोस्तों 3.3 के लिए होता है, ये रेगुलेटर लगाया गया जो 3.3 के लिए। इतना दोस्तों क्लियर होने के बाद जो हमारा आवाज का है प्रॉब्लम
वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है जो हमारा यहाँ पे, देखिए ये लगाया गया रीसेट टाइप का, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो रीसेट के तरह लगाया गया दोस्तों, यहाँ से हमारा प्रॉब्लम आता है। जैसे यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट रहेगा और यहाँ पे 5 वोल्ट, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो हमारा है पहला 12 वोल्ट का क्लियर है। उसके बाद से जो हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे 7 वोल्ट से ऊपर होना चाहिए, कम से कम 7 से 8 वोल्ट होना चाहिए। देखिये दोस्तों, यहाँ पे 4 ही वोल्ट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए एक 5 वोल्ट मिलता है, यहाँ पे 5 वोल्ट मिलता है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से जम्पर दे देंगे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बॉक्स को बंद करेंगे हम, नहीं तो ये शॉर्ट हो सकता है दोस्तों। तो हम यहाँ पे अच्छे से इसको सोल्डिंग कर देंगे। और अब चेक करेंगे दोस्तों हम एक बार। और अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा सेटअप बॉक्स है, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आवाज हमारा क्लियर हो गया है। शिफ्टिंग के बीच में जब विमान को वहां से ले जाया जा रहा था, का आवाज जो होता है ना, वो जो फट रहा था, कटक की आवाज आ रहा था दोस्तों, वो हमारा अभी क्लियर हो गया दोस्तों। तो देखिये दोस्तों, हमारा जो ये बॉक्स था, ये हमारा दोस्तों ऑडियो क्लियर हो गया है। तो इसमें छोटा ही सा फॉल्ट था दोस्तों, इतने ही फॉल्ट होते हैं इसमें, और भी आते हैं फॉल्ट, तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा जो प्रॉब्लम आएंगे, फिर मैं अगली वीडियो में अच्छे आपको बता दूंगा। और दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करते रहिए। जय जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विश्वकर्मा एंटरप्राइजेस। और दोस्तों मैं आपका दोस्त आशीष विश्वकर्मा, जो आपके लिए बॉक्स लेके आया हूं, जो एनएक्सी डिजिटल का है। इसका मॉडल नंबर है CH8500MU। दोस्तों इसमें हमारा जो प्रॉब्लम है वो ऑडियो का प्रॉब्लम है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे ये कभी कभी ऑडियो आता भी है और जाता है, तो फिर दोबारा मतलब ऑडियो नहीं आता है। तो एक बार चेक करेंगे उसको, ऑडियो आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों, ऑडियो आपको फुल करके दिखाता हूँ, फिर भी कोई भी ऑडियो का ये आवाज नहीं आ रहा है। तो अब ये कंडीशन है दोस्तों, हम बॉक्स को पहले ओपन करके और चेक करेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखिए दोस्तों, सील पैक है, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, हम चेक करते हैं जो है दोस्तों, हम लाइव करते हैं और होता भी है तो भी, और नहीं भी होता है तो भी हम दोस्तों यूट्यूब पे चैनल पे अपना जरूर डालते हैं। और दोस्तों जो हमारे चैनल पे नए हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें दोस्तों, जिससे मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो भी लेके आऊं। और कमेंट भी करते रहे दोस्तों, आपको कौन से सेटअप बॉक्स का वीडियो चाहिए वो कमेंट करें दोस्तों, आपके एक एक कमेंट से दोस्तों हम आपके लिए हर नए नए सेटअप बॉक्स का वीडियो बना के लेके आऊंगा दोस्तों। दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पे एडाप्टर को लगा दिया है। दोस्तों पहले हम इसके वोल्टेज के बारे में जानेंगे, क्योंकि दोस्तों सबसे जरूरी हमारा है वो है वोल्टेज। तो वोल्टेज में सबसे पहला हम चेक करेंगे यहाँ पे, देखिए हमारे यहाँ पे 12 वोल्ट आना चाहिए। तो देखिए हमारा यहाँ पे 12 वोल्ट पहला आ रहा है। उसके बाद से दोस्तों हमारा एक आईसी है जो हमें 5 वोल्ट कन्वर्ट करके देता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से हमारा यहाँ पे आया जाएगा जो एक आईसी है, ये हमें 3.3 के लिए, ठीक है दोस्तों। मतलब ये भी हमारा वोल्टेज तो हमारा क्लियर है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ दोस्तों। फिर यहाँ ए आईसी से हमें 1.1, ये भी क्लियर है। रेगुलेटर पे चेक करेंगे 1.8 क्लियर है। अब जो हमारा प्रॉब्लम है वो है ऑडियो का, तो दोस्तों हम यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए हमारा 2.6 2.7 आ रहा है, और इस साइड भी हमें इतने ही आ रहा है।
दोस्तों हमें यहाँ पे भी कम आ रहा है, रीजन ये हमारा आईसी खराब है। ठीक है दोस्तों, हम चेक करेंगे तो ये हमारा आईसी गर्म हो रहा है हल्का हल्का, तो मतलब ये दोस्तों हमारा आईसी खराब हो गया। आपके पास आईसी है तो दोस्तों आप चेंज कर सकते हैं, नहीं है तो वो हम बताएंगे आपको कि आपके पास आईसी नहीं है तो क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया गया है और ये यहाँ पे कैपेसिटर जो हमारा ये सेक्शन में ऑडियो पे आता है, देखिए यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आता है दोस्तों हमारा ऑडियो का। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों हमारा यहाँ पे आता है और एक यहाँ पे आता है। हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से यहाँ के लिए जम्पर चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, दोस्तों देखिए ऑडियो आने लगा है। तो ये कंडीशन में दोस्तों हम बॉक्स को बंद करेंगे, क्योंकि सबसे पहले दोस्तों बॉक्स बंद करना जरूरी होता है। और यहाँ पे देखिए एक क्वाइल है छोटा सा, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये देखिए क्वाइल हमने एक तोड़ दिया, दूसरा क्वाइल भी हम यहाँ से तोड़ देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे जम्पर देंगे जिससे हमारा ऑडियो आना चाहिए। ये देखिए हमने यहाँ पे दो वायर लगा लिया है कैपेसिटर पे, आपको दिखाया दोस्तों, और यहाँ से हम यहाँ पे जम्पर दे देंगे। हम आपको एक बार जूम करके भी दिखाएंगे लगाने के बाद दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने कैसे लगाया है, आपको दिखा दिया है क्लियर। और अब हम चेक करेंगे ऑडियो, देखिए दोस्तों हमारा ऑडियो आ गया है। ऑडियो कम करना पड़ता है क्योंकि आपको भी पता है कि कॉपीराइट हो जाता है। तो दोस्तों हमने आपको दिखाया एक आईसी भी खराब था, तो आईसी को बाईपास करके कैसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। आपके पास आईसी है तो आईसी भी, नहीं तो दोस्तों मॉड्यूल भी हम लगा सकते हैं। जैसे कि एक मॉड्यूल आता है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे पास है। ये देखिए हमारा एक 5 वोल्ट का मॉड्यूल आता है, ये मॉड्यूल सेम ऐसे करके भी आप काम कर सकते हैं, आपको आता है तो, नहीं तो कोई बात नहीं दोस्तों चलता है, ये खराब नहीं होता है। आपको दिखाया दोस्तों कि कैसे आप बाईपास करके चला सके ऑडियो। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और दोस्तों इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो भी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विश्वकर्मा एंटरप्राइजेस, और दोस्तों मैं आपका दोस्त आशीष विश्वकर्मा, जो दोस्तों आपके लिए बहुत ही गया हूँ। देखिए दोस्तों बहुत ही ओल्ड मॉडल है, जो डेन का दोस्तों है बॉक्स, जिसका मॉडल नंबर था दोस्तों यहाँ पे देखिए डेन C7631। दोस्तों ये बॉक्स में हमारा ये कस्टमर का कहने का है कि ये आधे घंटे चालू रखेंगे तो ये बॉक्स चालू होता है। तो दोस्तों चेक करेंगे हम बॉक्स को फॉल्ट क्या है। दोस्तों तबियत खराब है, अभी तो आया दोस्तों हॉस्पिटल से। दोस्तों देखिए हमारा यहाँ पे ये जो कैपेसिटर देखिए यहाँ पे फूक गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो फिर भी पहले हम चेक करेंगे कि सेम यही प्रॉब्लम है या कुछ अदर प्रॉब्लम है। हमने यहाँ पे रबर लगा दिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रहा है इसमें से, कैपेसिटर से, हो सकता है कैपेसिटर ख़राब हो। फिर भी एक बार हम यहाँ पे चेक करेंगे, सबसे पहला 5 वोल्ट, देखिए 5 वोल्ट तो हमें यहाँ पे क्लियर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से दोस्तों हमारा जो यहाँ पे एक रेगुलेटर लगाया गया है, यहाँ पे एक रेगुलेटर लगाया गया है, यहाँ चेक करेंगे तो हमें 2.5 ये रेगुलेटर क्लियर दे रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चेक करेंगे हमारा 3.3 ये भी रेगुलेटर क्लियर है। यहाँ पे एक रेगुलेटर है जो हमें 5 वोल्ट देगा, वो भी क्लियर है, और 1.8 ये मतलब दोस्तों हमारा रेगुलेटर सभी क्लियर है। रीसेट पे चेक करेंगे दोस्तों तो 3.3 भी कम आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे कम आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे काम आ रहा है। तो हो सकता है दोस्तों ये कैपेसिटर के खराब होने की वजह से हो रहा हो। तो पहले पावर सप्लाई को रिपेयर करते हैं, ये पावर सप्लाई रिपेयर कैसे करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे दोस्तों।
पावर सप्लाई के बारे में फुल डिटेल आपको एक बार वीडियो बना के दिखाएंगे दोस्तों। दोस्तों जो हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। कमेंट में दोस्तों आपको कौन सा बॉक्स रिपेयर करके सिखाऊं या आपको ट्रेनिंग दूं वो आप हमें ज़रूर मैसेज करें। जैसे कि देखिए दोस्तों, एक बार ये रिपेयर हो चुका भी है और फिर से ये रिटर्न आया है, तो ये मतलब हमारे पास 2021-22 में रिपेयर हुआ था, अभी 2023 चालू है। देखिए दोस्तों, हमने इसे निकाला है और मैं आपको कैपेसिटर वो दिखा देता हूँ दोस्तों, कौन सा नंबर का कैपेसिटर था। सॉरी दोस्तों, हाँ यहाँ पे देखिए दोस्तों, 16 वोल्ट में 1000 UF में है, ठीक है दोस्तों। तो कभी भी ध्यान दीजिएगा, 16 वोल्ट जो है ना, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए, और UF भी इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो इससे वोल्टेज भी कम या UF भी कम, दोनों कोई एक कम होता है तो एक कैपेसिटर फूकने का ज़्यादा ज़्यादा चांसेस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, हम पहले बॉक्स ही निकालें एक दूसरा। दोस्तों देखिए, हमारे पास एक आया है जो 25 वोल्ट में 1000 UF है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 16 वोल्ट और 1000 UF और ये 25 वोल्ट 1000 UF, तो दोस्तों ये बेटर है उससे अच्छा। तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लगा के और वोल्टेज चेक करेंगे एक बार। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे कैपेसिटर को लगा दिया और चेक करेंगे दोस्तों, कोई ऐसा तो नहीं है जो रिसोल्ड मतलब करना पड़े, क्योंकि बहुत पुराने ऐसा पावर सप्लाई हो गए हैं। तो देखिए, हमने कैपेसिटर को लगा दिया अच्छे तरीके से, यहाँ पे चेक देख लीजिएगा दोस्तों, तो ये और कैपेसिटर तो नहीं ख़राब है, ये भी कैपेसिटर चेक करेंगे, ये भी ख़राब नहीं है, मतलब अभी कोई ख़राब नहीं है, अभी यहाँ पर हम ये लगा देते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी हम पावर सप्लाई को अच्छे से यहाँ पे फिट कर लिए हैं और इसे लगाएंगे और चेक करेंगे एक बार। देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे आ गया है वोल्टेज, तो आ गया है, जैसे कि ये जो हमारा 3.3 चेक कर रहे थे दोस्तों हम लोग, जो हमारा 3.3 नहीं आ रहा था वो हम चेक करेंगे यहाँ पे। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 3.3 अभी आ गया दोस्तों क्लियर। आउटपुट भी चेक करेंगे तो यहाँ पे भी, मतलब दोस्तों ये जो हमारा कैपेसिटर खराब था, कैपेसिटर की वजह से 3.3 भी नहीं आ रहा था। तो अभी हम दोस्तों पावर लगा के चेक करेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया, एक कैपेसिटर खराब था, कैपेसिटर की वजह से दोस्तों पूरा बॉक्स बंद था। तो दोस्तों ये थोड़ा छोटा छोटा ध्यान दीजिए, और हमारे व्हाट्सएप पे भी जो हमारे ग्रुप है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे भी दोस्तों बहुत ही कमेंट आते हैं, सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आज भी जैसे कि आया है। तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ कि छोटा छोटा ध्यान देना चाहिए आपको,
जैसे कि दोस्तों हर चीज कोई नहीं बता सकता आपको प्रॉपरली, तो थोड़ा बार आप भी सीखिए और थोड़ा बार ज्ञान लीजिए बाहर से, तो दोस्तों आप इंजीनियर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगेगा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विश्वकर्मा एंटरप्राइजेस। और दोस्तों मेरा नाम आशीष विश्वकर्मा है। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आता हूँ बॉक्स नए नए रिपेयरिंग के लिए। दोस्तों जैसे कि ये देखिए इन डिजिटल का बॉक्स है दोस्तों, जो इसका मॉडल नंबर होता है DTC 5618। जूम करके आपको दिखा दो दोस्तों, ये बहुत ही ओल्ड मॉडल बॉक्स है, बट इसमें अभी जो प्रॉब्लम है वो है रेड प्रॉब्लम है। देखिए रेड लाइट आ रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, रेड लाइट आ रहा है, कोई भी लाइट नहीं है और दूसरा आ रहा है। तो ये कंडीशन में दोस्तों बॉक्स को ओपन करके हम चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारा बॉक्स है, अभी हम चेक करेंगे इसका वोल्टेज के बारे में। सबसे पहले हम चेक करेंगे दोस्तों यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट, उसके बाद से दोस्तों हमारा 5 वोल्ट से यहाँ पे आता है, जो हमें यहाँ पे 5 वोल्ट से 3.3 कन्वर्ट करके देता है। यहाँ पे देखिए 3.3 ये भी क्लियर है। उसके बाद से यहाँ से दोस्तों हमारा यहाँ पे जाता है जो रिसेट है हमारा 3.3, यहाँ से और यहाँ पे आउटपुट चेक करेंगे 3.3 क्लियर है दोस्तों। यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट का रेगुलेटर है जो हमें 3.3 जो हमारा ये सिग्नल के लिए देता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे हमारा एक आईसी लगेगा जो हमें 5 वोल्ट से देखिए दोस्तों हमें 1.1 देता है। तो देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, मतलब यहाँ पे हमें ये 0.80 आ रहा है, मतलब ये हमारा आईसी से फॉल्ट है। ये दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों आईसी को ना चेंज करके हम क्या करेंगे यहाँ पे रिसोल्ड करके एक बार चेक करेंगे कैसा रहता है दोस्तों। ये देखिए कैपेसिटर भी हमारा खराब है, तो सबसे पहले हम कैपेसिटर को चेंज करेंगे। देखिए दोस्तों हमने इसे साफ कर दिया अच्छे से। देखिए दोस्तों हमने ये सेम कैपेसिटर हमारे पास है, और हम क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों माइनस माइनस में और प्लस प्लस में लगा के इसे पहले यहाँ पे अच्छे से लगा देंगे। देखिए दोस्तों हमने लगा दिया, अभी हमारा जो है मेन ये है, हम इसे एक बार रिसोल्व करके चेक करेंगे। हमारा 601 इसके नंबर होता है दोस्तों आईसी का। देखिए हमने इसे रिसोल्व कर दिया अच्छे से, यहाँ पे पूरा अच्छे से इसे रिसोल्व कर दिया दोस्तों। और अभी हम एक बार चेक करेंगे हमारा अभी भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है या मतलब वोल्टेज हमारा बढ़ गया है। तो जैसे दोस्तों हमारा चालू तो हो गया है, अभी हम चेक करेंगे वोल्टेज इसका। तो देखिए हमें यहाँ पे 0.1 आ रहा था, अभी देखिए दोस्तों हमारा 1.1, मतलब दोस्तों हमारा वोल्टेज यहाँ पे क्लियर हो गया है। ये रजिस्टर दोस्तों खराब था, आईसी हमारा खराब नहीं था। दोस्तों भी हमारा पावर तो चालू हो गया है, बट अभी भी हमें यहाँ पे वीडियो दोस्तों नहीं आ रहा है। ये देखिए हमारा पावर सब चालू हो गया है। वीडियो के लिए दोस्तों हम यहाँ पे चेक करेंगे हमें यहाँ पे आ रहा है कि नहीं वीडियो। दोस्तों यहाँ पे हमें वीडियो आ रहा है, यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा वीडियो आ रहा है, मतलब हमारा यहाँ कहीं से कनेक्टर से फॉल्ट होगा दोस्तों। ये देखिए हमारा यहाँ से वायर टूटा हुआ है, इसके लिए भी हमें वीडियो नहीं आ रहा है।
दोस्तों देखिए हमने यहाँ पे इसे भी लगा दिया है और अभी हमारा क्लियर हो गया, अभी हम चेक करेंगे। दोस्तों इसमें रिचार्ज नहीं है, मैंने आपको दिखाया ये हमारा 1600 का आई सी भी खराब था, जिसे मैंने रिस्टोर को रिस्टोर किया तो चालू हो गया और वीडियो के लिए वायर टूटा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे वीडियो ऐसी पहले से निकाल के और डायरेक्ट अपना जंपर मार के दिया गया था। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विश्वकर्मा इंटरप्राइजेस। और दोस्तों मैं आपका दोस्त आशीष विश्वकर्मा, जो आपके लिए दोस्तों एक बॉक्स लेके आऊँ जो NXT डिजिटल का है, इसका मॉडल नंबर था CH8500MU। तो दोस्तों इसमें हमारा जो प्रॉब्लम है वो स्कैनिंग फील्ड का रहता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये देखिए बॉक्स चालू हो जा रहा है हमारा, चालू तो हो गया दोस्तों, बट अभी हमारा ये ऐसे ही इनका लोगो रहेगा और कुछ भी नहीं आएगा। और मैं यहाँ पे इसे स्कैन करने भी जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए क्या लिख के आएगा, स्कैनिंग फेल लिख के आता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए अभी सिग्नल हमारा टोटल है, सिंबल सब सही है, लेकिन यहाँ पे देखिए स्कैनिंग फेल लिख के आ रहा है दोस्तों। तो ये कंडीशन में दोस्तों हम बॉक्स को ओपन करेंगे पहले। बॉक्स को पहले ओपन करके और चेक करेंगे इसका वोल्टेज। देखिए दोस्तों हमने बॉक्स को ओपन कर लिया है पूरा, और फिर से मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ और वोल्टेज के बारे में बता देता हूँ इसके। जैसे कि देखिए दोस्तों यहाँ पे हम पहला वोल्टेज चेक करेंगे हमारा, तो पहला 12 वोल्ट हमारा क्लियर आना चाहिए दोस्तों, ये 12 वोल्ट क्लियर है दोस्तों। उसके बाद से हमारा जो एक आईसी लगाया जो बूस्टिंग करता है हमें 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके देता है दोस्तों, वो चेक करेंगे हमारा 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें 5 वोल्ट भी कम आ रहा है, 3.8 आ रहा है, मतलब वोल्टेज का भी ड्रॉपिंग है। और उसके बाद से दोस्तों हम यहाँ पे चेक करेंगे तो 3.3 हमारा ये क्लियर है दोस्तों, और ये 1.1 क्लियर है। रेगुलेटर पे चेक करेंगे दोस्तों तो हमारा 1.8 क्लियर है। तो दोस्तों हमारा जो मेन पहला काम है वो है हमारा प्रॉब्लम है जो स्कैनिंग फील्ड का। देखिए अभी जैसा भी है ऐसे ही बॉक्स रहेगा और हमें स्कैनिंग फील्ड का प्रॉब्लम आ रहा है, रुक गया एक मिनट। दोस्तों देखिए ये हमारा जो स्कैनिंग फील्ड का प्रॉब्लम आता है वो आता है हमारा ये सेक्शन से। देखिए ये हमारा सॉफ्टवेयर का सेक्शन हो जाता है, यहाँ से प्रॉब्लम आते हैं। तो ज़्यादा प्रॉब्लम दोस्तों देखिए हमारे ये डायोड होते हैं ना, ये सभी डायोड शॉर्ट हो जाते हैं। इसमें से ऐसा नहीं सभी डायोड होते हैं, कोई एक ही शॉर्ट होता है, बट हम क्या करेंगे दोस्तों जितना भी डायोड है सिर्फ यहाँ से हम इसे हटा देंगे, इसमें डायोड ही सिर्फ शॉर्ट होता है दोस्तों और कुछ नहीं रहता है। क्योंकि क्या रहता है यहाँ पे ये जो सेक्शन होता है दोस्तों हमारा सॉफ्टवेयर सेक्शन हो जाते हैं, तो इसके लिए यहाँ से प्रॉब्लम आते हैं स्कैनिंग फील्ड का। तो सॉफ्टवेयर करेंगे तो भी हो जाता है दोस्तों, बट क्या है कि अभी सॉफ्टवेयर किसी के पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता है, इसके लिए हमें ये पूरा सेक्शन ही हटा देते हैं यहाँ से। देखिए दोस्तों हमने यहाँ से पूरा सेक्शन जो भी होता है यहाँ से हटा दिया है और अभी हम चेक करेंगे फिर से वोल्टेज चेक करेंगे एक बार हमारा ये 5 वोल्ट का यहाँ से शॉर्टिंग था या नहीं। तो दोस्तों हमारा प्रॉब्लम है अभी भी वोल्टेज में, बट हमारा जो प्रॉब्लम है वो चेक करेंगे पहले हमारा ये प्रॉब्लम है सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों देखिए हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है ऑटोमेटिक, मैंने आपको दिखाया जो स्कैनिंग फेल हो रहा था वो अभी हमारा स्कैनिंग ऑटोमेटिक हट गया दोस्तों, अब चैनल चालू हो गया। जो हमारे यहाँ पे लोगो रहता था ब्लैंक रहता था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी भी प्रॉब्लम हमारा है जो पावर का है, उसे भी हम बनाएंगे दोस्तों एक बार।
यहाँ पे देखिए दोस्तों कैपेसिटर है, कैपेसिटर को पहले दोस्तों हम हटा देंगे, आप हटाना चाहते हो हटाइए, नहीं हटाना चाहते तो मत हटाइए, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, इसे कंपलसरी हटाना ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अच्छे से पहले सभी रजिस्टर को सोल्ड करेंगे, जिससे हमारा जहाँ पे भी ड्रॉपिंग रहेगा वैल्यू वो हमें प्रॉपरली आ जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे इसे लगा दिया है और अभी हम चेक करेंगे दोस्तों। सेमी हमारा दोस्तों आ रहा है क्योंकि हमें अभी भी उतने ही बोलते जा रहे हैं, तो हमें ये दोस्तों आईसी चेंज करना पड़ेगा प्रॉपरली। दोस्तों देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक दूसरा बोर्ड था, यहाँ से हम इसे निकालेंगे आईसी पे। ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे अच्छे से लगा दिया है प्रॉपरली, और अभी हम चेक करेंगे एक बार कि हमारा यहाँ पे 5 वोल्ट हुआ है दोस्तों या नहीं हुआ, वो चेक करेंगे। तो दोस्तों सेम ही तो दोस्तों यहाँ पे कैसा है, ये 3.3 ही आ रहा है, तो भी रिस्टार्ट नहीं होगा दोस्तों, चालू तो है अभी, प्रदेश में चालू है क्योंकि हमें यहाँ पे 3.3 चाहिए, ये 3.3 हमारा क्लियर आ रहा है और 1.1 यहाँ पे ये भी क्लियर आ रहा है दोस्तों, हमारा वोल्टेज क्लियर आ रहा है, बट एक हमारा जो आईसी होता है ये हमें सिर्फ 5 वोल्ट से कम ही दिखा रहा है, तो हो सकता है सीपीयू से रहेगा दोस्तों, तो ये ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि हमें 5 वोल्ट ही चाहिए, ये चलता है तो भी चलता है। हमारा जो मेन प्रॉब्लम था वो था हमारा स्कैनिंग फील्ड का, तो दोस्तों वो तो हमारा क्लियर हो गया। तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, नेक्स्ट वीडियो के लिए हेलो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल विश्वकर्मा एंटरप्राइजेस, और दोस्तों मैं आपका दोस्त आशीष विश्वकर्मा जो आपके लिए बॉक्स लेके आया दोस्तों। ये देखिए हमारा इंडिविजुअल का बॉक्स है जिसका मॉडल नंबर था C8080CL। दोस्तों ये देखिए हमारा ये बहुत ही ओल्ड मॉडल दोस्तों 2014-15 का मॉडल है, तो अभी इसमें प्रॉब्लम आ रहा है हमारा जो है वो है वीडियो का प्रॉब्लम, जैसे कि मैं आपको दिखाया था यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों हमारा एक रेड लाइट आ रहा है और अभी हमारा येलो लाइट भी आ जाएगा। देखिए ग्रीन लाइट जला दोस्तों हमारा हल्का सा, और येलो लाइट देखिए ध्यान से यहाँ पे हमारा आ रहा, जूम करके दिखाई दो दोस्तों आपके यहाँ पे हमारा येलो लाइट आ गया दोस्तों, पर वीडियो नहीं आ रहा है जैसे कि मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे हमारा देखिए येलो रेड और व्हाइट तीनों डाला, बट अभी भी वीडियो नहीं आ रहा। एक कंडीशन में दोस्तों हम बॉक्स को ओपन करके और इसका वीडियो आईसी चेक करेंगे और इसके वोल्टेज के बारे में जानेंगे। दोस्तों ये बॉक्स को ओपन किया हुआ था किसने तो किसने किया था वो तो हमें दोस्तों नहीं आइडिया, क्योंकि स्क्रू इसका चेंज हुआ है, तो पहले हम स्क्रू को सही जगह पे लगाएंगे। और दोस्तों सबसे पहला हमारा जो होता है वोल्टेज के बारे में और वीडियो लास्ट में वीडियो के बारे में जानेंगे, सबसे पहले हम वोल्टेज के बारे में जान लेते हैं, अभी दोस्तों वोल्टेज हमें पता रहेगा तो ही हम बॉक्स रिपेयर कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम सबसे पहले यहाँ पे हम चेक करेंगे, सबसे पहला हमारा यहाँ पे 12 वोल्ट जैसे कि मैं आपको दिखाया था दोस्तों, थोड़ा लाइट लग रहा है इसके वजह से, जैसे कि हमारा पहला 12 वोल्ट आ रहा है, उसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ से आता है ऐसे करके यहाँ पे जो हमें 12 वोल्ट मिलता है, ठीक। उसके बाद से हमारा 2 IC देखिए यहाँ पे 2 IC लगाया गया है, जो ये IC होता है जो हमें 5 वोल्ट देता है ये देखिए, और जो हमारा ये दूसरा IC जो हमें 1.1 देता है, ठीक।
ये देखिए हमारा 1.1 क्लियर है। उसके बाद से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, रेगुलेटर लगाया गया है, एक रेगुलेटर लगाया गया है जो हमें 5 वोल्ट से 3.3 कन्वर्ट करके देता है, जो हमारे रीसेट को जाता है दोस्तों, ये जो हमारा रीसेट होता है ये 3.3 इसको जाता है, ये आउटपुट हमें सीपीयू को लिया जाता है। तो दोस्तों हमारा बॉक्स तो आपको मैंने दिखाया कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए लाइट जल रहा है येलो, बट हमें क्या है वीडियो नहीं आ रहा है। तो वीडियो के सेक्शन पे हमें यहाँ पे देखिए हमारा ये वीडियो आईसी होता है और ये उसके बगल में हमारा ऑडियो आईसी होता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने एक बार आपको दो बॉक्स दिखाया था, एक कार्ड वाला, एक विदाउट कार्ड वाला होता है, और इसमें से सीटी का सीटी डिजिटल का भी बॉक्स सेम आता है, बहुत ही कंपनी का दोस्तों, सेम बोर्ड सेम रहेगा, बॉक्स बाहर का कैबिनेट चेंज रहेगा, जैसे कि ऑडियो कोई इधर रहेगा और वीडियो इधर रहेगा, किसी का ऑडियो यहाँ पे है और किसी का वीडियो यहाँ पे, तो ये इसका वीडियो ये है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे ये फर्स्ट लेग पे कितना वोल्टेज है, तो देखिए 0.50 या 53 मतलब यहाँ तक हमें वीडियो आ रहा है, मैं आपको चेक करके दिखा दूंगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा टीवी में चेक करिए दोस्तों, हमारा यहाँ तक तो वीडियो मतलब आ रहा है, बट दोस्तों जो हमारा मेन है ऑडियो, दोस्तों हम पहले आवाज कम कर देते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ तक तो हमारा वीडियो आ रहा है। अब दोस्तों हमारा हो सकता है यहाँ आईसी खराब हो, नहीं तो जूम करके मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा RV4 लिखा हुआ, मतलब ये रजिस्टर है, ये हमारा 75K का रजिस्टर होता है, या हो सकता है ये रजिस्टर भी खराब हो। तो सबसे पहले हम आउटपुट में चेक करेंगे, हमने इनपुट चेक किया, अब आउटपुट में चेक करेंगे कि हमारा वीडियो आईसी चालू है या नहीं, तो एक बार आउटपुट में देखते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा आउटपुट, मतलब हमारा दोस्तों ये वीडियो आईसी सही है, खराब क्या है वो है हमारा 75K का रजिस्टर। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे इसे कनेक्टर पे यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। और अभी हम ये देखिए रजिस्टर को हम शॉर्ट करके चेक करेंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमने रजिस्टर को दोनों साइड से शॉर्ट किया था, देखिए हमारा वीडियो आ गया है। तो ये कंडीशन में दोस्तों आपके पास 75K का रजिस्टर, कॉम्पोनेंट रजिस्टर भी रहेगा तो भी चलेगा, कोई भी हो चलेगा, आपके पास नहीं भी है तो भी आपको मैं वो तरीका बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों हमारा काम ही है जीरो बैलेंस में हम सभी को रिपेयर करके बॉक्स दिखाएं। तो अभी हम ये रजिस्टर को यहाँ से निकाल देते हैं, ये देखिए हमने यहाँ से रजिस्टर को हटा लिया है और यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए हमने डायरेक्ट कर दिया है, और अभी हम यहाँ पे एक बार चेक करेंगे कि हमारा वीडियो आ रहा है या नहीं आ रहा। अभी खराब होता है तो आप दोस्तों सबसे जरूरी हमारा जो है आईसी चेंज करना, और आईसी चेंज करके ही लगाइए, क्योंकि दोस्तों एक बार ये डायरेक्ट आप कर देंगे तो इससे क्या होता है, कभी भी लाइटिंग हुआ या कुछ भी होता है, आईसी उड़ता है तो डायरेक्ट ये सीपीयू से खराब होता है। दोस्तों हमारा एक ही सजेशन रहेगा, आप आईसी को चेंज करें, आईसी खराब है तो नहीं, रजिस्टर का खराब है तो चल जाता है दोस्तों, आईसी आपका खराब हो जाएगा, तो आप आईसी रिटर्न चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब मेन आईसी से खराब हो जाए दोस्तों तो वो रिपेयर नहीं होएगा। दोस्तों हमारा वीडियो चला गया, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो करें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विश्वकर्मा एंटरप्राइजेज, और दोस्तों मैं आपका दोस्त आशीष विश्वकर्मा, जो आपके लिए बॉक्स लेके आया हूं डेन का है। दोस्तों देखिए यहां पे डेन का इसका मॉडल नंबर था C7638। तो दोस्तों इसमें जो देखिए हमारा आपके सामने दिखा रहा हूं चालू है, ये देखिए हमारा रिमोट भी वर्क कर रहा है सेंसर में, देखिए, बट यहां पे हमारा कोई भी वर्किंग नहीं कर रहा है, यहां ध्यान दीजिए दोस्तों, कोई भी देखिए चैनल हम चेंज कर रहे हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो ये कंडीशन में दोस्तों हम पहले बॉक्स को ओपन करके और चेक करेंगे हमारा फॉल्ट है तो है कहाँ से। हमने बॉक्स को ओपन कर लिया है और दोस्तों हम चेक करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम है कहाँ से, एक्चुअली हम पहले फिर से एक बार डॉक्टर लगा देंगे। दोस्तों हमारा जो प्रॉब्लम है वो है हमारा सेंसर से, हम यहाँ से आगे का पैनल पहले खोल के चेक करेंगे वोल्टेज सेंसर का, IR का वोल्टेज हम चेक करेंगे। बहुत लोग बोलते हैं सर वोल्टेज क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बारे में बताइए दोस्तों, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ।
पे देखिए दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला 5 वोल्ट से हमारा यहाँ से आईसी जाता है, जो हमारा एक आईसी है, देखिए यहाँ पे ये आईसी है जो हमें 3.3 कन्वर्ट करके देता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ होने के बाद से हमारा ये चार डायबोर्ड है, चार डायबोर्ड पे जाता है 2.7, 2.6, 2.5, 1.8, ठीक है। ये प्रॉपरली होने के बाद दोस्तों जो हमारा आता है ये रीसेट पे, जो हमारा 3.3 से आउटपुट 3.3 होना चाहिए, अतः दोस्तों यहाँ तक क्लियर है। अभी हमारा जो प्रॉब्लम है वो सेंसर काम नहीं कर रहा, मैं आपको एक बार फीचर दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये देखिए हमारा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ये कंडीशन में हम IR को चेक करेंगे, IR में हमारा वोल्टेज कितना आ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा यहाँ पे तीन टांग होते हैं, तीन टांग का IR होता है आपको भी पता दोस्तों, तो फर्स्ट वाले में चेक करेंगे तो देखिए हमारा 5 वोल्ट आ रहा है। अब आउटपुट भी हम चेक करेंगे दोस्तों हमारा 5 वोल्ट हो रहा है कि नहीं, तो देखिए हमारा वोल्टेज तो आ रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों हम थोड़ा ग्राउंडिंग को लगा लेंगे, तो अभी चेक करेंगे दोस्तों हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे IR को, कि हमारा यहाँ पे ब्लिंकिंग हो रहा है या नहीं, तो देखिए 3.7 स्थिर है, अभी हम चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, यहाँ पे रिस्पॉन्स आना चाहिए दोस्तों, ठीक है, अप डाउन होना चाहिए। तो मतलब ये कंडीशन में दोस्तों हमारा ये IR जो है वो खराब है 100% दोस्तों। ये देखिए बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा है, तो हीट हो रहा है तो दोस्तों हम इसे पहले सबसे ज़रूरी है वो है हम ये बॉक्स को पूरा ओपन करेंगे। IR को हम यहाँ से निकाल देंगे, थोड़ा सा अच्छे से इसे साफ कर लेंगे दोस्तों। बहुत कमेंट आ रहा है सर आप शोल्डर पंप चलाना सिखाइए, तो देखिए इसमें कुछ चलाने की दोस्तों नहीं रहती है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना चाहिए, ऐसे करके इसके ऊपर से पंप खींचना चाहिए, बस इतना छोटा सा ही काम है दोस्तों, आप कर सकते हैं। और अभी देखिए हमने निकाल दिया और हमारे पास एक IR को हम लगा के चेक करेंगे दोस्तों। देखिए जो इसका IR का जो नंबर होता है वो है 724F, ठीक है दोस्तों। ये हमारा जो पुराना खराब था और हम अभी लगाएंगे सेम हमारे पास है 754F है, ठीक है दोस्तों 754F है, तो चल जाता दोस्तों, तो हम लगा के यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए आराम से दोस्तों चला गया और इसे हम अच्छे से सोल्डरिंग कर देंगे। चेक करेंगे दोस्तों, हमने अच्छे से इसे सोल्डरिंग कर दिया है और हम बाहर से ही पहले चेक करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या रहता है दोस्तों IR भी खराब हो जाता है, तो हम बाहर से ही चेक कर लेंगे कि हमारा हुआ या नहीं हुआ, वो तो आपको सामने सामने दिख जाएगा दोस्तों। जैसे कि हमने देखिए यहाँ पे कार्ड लगाया, बहुत सभी कुछ लगाया, एक बार हम फिर से IR चेक करेंगे। और तो दोस्तों देखिए हमारा चैनल चेंज होने लगा, देखिए दोस्तों हमारा भी चैनल चेंज होने लगा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ दोस्तों आपको, जो मैंने बताया है ये ब्लिंकिंग होता है या नहीं होता है, तो वो कैसे होता है वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखो अरे सेंसर वर्क करो, कोई भी रिमोट वर्क करना, एक मिनट। जैसे कि देखिए दोस्तों हमने आपको बताया था यहाँ पे जो, जैसे कि मैं उल्टा कर देता हूँ दोस्तों इसे, जिससे आपको समझ में आए। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने ग्राउंड लगाया और जो हमारा 3.7 था उसे अभी देखिए हमने यहाँ पे किया, अभी जब चेंज करेंगे तो देखिए दोस्तों ब्लिंकिंग हो रहा है। देखिए वोल्टेज चेंज करते रहो कंटिन्यू करते रहो से। ये देखिए दोस्तों हमारा जो कि चेंजेस हो रहा है यहाँ पे, जो ब्लिंकिंग है देखिए चेंज हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे हमारा वर्किंग कर रहा है, तो मतलब हमारा ये RCU सही है। तो अभी देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। तो दोस्तों हमने आपको दिखाया RCU चेंज करके, और RCU चेंज करने के बाद हमारा सेंसर